उत्तर प्रदेश के महोबा में जमीनी विवाद में चली गोली से दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों भाई अपने ट्रैक्टर से घर जा रहे थे, तभी गांव के ही दबंगों ने दोनों भाइयों को गोली मार दी। आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची 100 डायल की पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतपुर में भर्ती करवाया। अस्पताल में दोनों की हालत को गंभीर देखते हुए उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में दोनों की हालत में सुधार होने के बाद दोनों को झांसी रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जमीन उसने जोत ली है। किसने? काची गांव की। हाँ, अर्गट बहु। आज क्या हुआ था? आज यही हुआ था, हमने रोका है, उसने उल्टी हमारी जमीन पे हो थुनिया गाड़ रहा था। हमने मना किया कि यहाँ से ना गाड़ो भाई। उसने कुछ ओ हम चले यार वही भाई ट्रैक्टर लेके बहके, उसने हमने रोका, हम उतरे, उसने तुरंत नहीं माना, उसके खेम ने उसने गोली तुरंत मार दी मेरे पैर में, तो मैं गिर गया। ओ भाई भगा सो भाई के उसने दो फैर मार दिए हैं गोली। हाँ, कृष्णा खेम सुरेश तीनों औरतें भी उसकी थी। जा हुआ पहले उसने ली वीरेंद्र रिछारिया जमीन, तो आधे के हकदार थे बेलाताल के रिछारिया, आधे के थे हम, सो बे उतरे। आसन कराई उसने हदबंदी, हदबंदी मई अगन में, फिर डरी थी जमीन, सो इसने अपनी हमने कोई नहीं किए, उसमें बंटवारा दार करूँ तो मूंगफली पूरी जमीन में बीबी। अब जहाँ से लेखपाल कानी को पत्थर गाड़ जाए उसी से रे के ओर जाऊँगा। तो जे आउट हुए ट्रैक्टर लेके बेके, बोले भैया जहाँ से तुम्हारे लेखपाल कानी को पत्थर गाड़ गए उतरे से हैं तुम्हारी, और ना हमारी जमीन डरी। जनपद के थाना क्षेत्र अजनर के एक गांव है अरघट मऊ, जहां लगभग 9:30-10 बजे के आसपास एक दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें दो व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है। दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है, दोनों का महोबा में इलाज हो रहा है। इस मामले में 3 व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। एक गन शॉट का मामला आया हुआ है, दो लोग आए हुए हैं गन शॉट से, एक का नाम महेंद्र है, एक का नाम पवन है, और गन शॉट का मामला है जिस दोनों की हालत काफ़ी गंभीर है। एक की बोन में थाई बोन जो है फीमर वो फ्रैक्चर हुई है और गोली नहीं निकली है, गोली उसके अंदर ही है, तो उसको मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफ़र करना पड़ रहा है। दोनों पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है, जिससे मेडिकल कॉलेज झांसी भेजा जा रहा है उनको, इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महोबा में प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर उनको रेफर बना दिया गया। संवाद 365 के लिए महोबा से आकांक्षा शुक्ला की रिपोर्ट।